अभी हम छपरा के नैनी में हैं और नैनी के देख सकते हैं पास में एएस इंजीनियरिंग है जो छपरा से महज 4.5 किलोमीटर की दूरी पर नैनी द्वारिकाधीश मंदिर के पास में जो है एएस इंजीनियरिंग है। और आपको बता दें कि अगर आप रोजगार चाहते हैं तो एएस इंजीनियरिंग के पास 122 प्रकार के जो है मशीन है और यहाँ पे जो है आपको कम पैसे में जो है मशीन लेकर घर में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। यहाँ पे दिखाने का कोशिश करेंगे कचौड़ी जो है जिसमें आप लोग नाश्ता करते हैं और पतल जो है जिसमें आप लोग खाना खाते हैं उसका मशीन जो है यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। भैया जो मशीन दिखाई दे रहा है इसका कैसे क्या है बताइए जरा। ये देखिए पेपर प्लेट बनाने वाली मशीन है, एक ही छत के नीचे पेपर प्लेट की मशीन और तमाम वैरायटी की रॉ मटेरियल देख सकते हैं, सारा चीज आपको एएस इंजीनियरिंग में मिलेगा एक ही छत के नीचे। ये लोगों को कंफ्यूजन रहता था कि मशीन मिले लेंगे कहीं से ले लेंगे, लेकिन रॉ मटेरियल हमको कैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके लिए आपको आप दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखिए ये तमाम तरीके का रॉ मटेरियल वाला मशीन ये सारा चीज लगा दिया है। ये देखिए रॉ मटेरियल वाला इतना वैरायटी का मशीन, ये 52 इंची का सीटर लगाया है, 3000 केजी का मशीन है। ये सब देखिए 2000 केजी 1500 केजी का मशीन है, ये जितने मशीन देख रहे हैं 1500 2000 के अंदर एक चीज असमंजस बना रहता है कि हम मशीन तो ले लेंगे लेकिन इसका सामान जो है देखिए सामान जो है इसको हम कहाँ से लाएंगे। इसका डिजाइन देखिए यहाँ पे भैया जो है आपको मशीन भी देंगे कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे थोड़ा दिखाइए भैया थोड़ा इसको उधर दिखाइए। ये जो सर्कल पेपर ये जो पेपर लोग दिल्ली से लाते थे उत्तर प्रदेश से लाते थे उसके बाद कोलकाता से लाते थे झारखंड से लाते थे पटना से लाते थे अब ये सर्कल पेपर एएस इंजीनियरिंग में मिलेगा। सर्कल पेपर हाँ ये इससे क्या है कि एक साथ में 5 से 10 पतल बना सकते हैं, जैसे कि हमने 7-8 पतल लिया इधर देखिए पहले 6 लेते हैं ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे 6 पतल लिया हमने दिखाइए इधर ये 6 पत्तल हमने लिया। अब इधर देखिए अब इस पत्तल को हमने इस पे रख दिया, केवल इसके रख देने मात्र से ये देखिए इस पे रख दिया और यहाँ से हमने केवल इस बटन को दबा दिया, ये बटन दब गया अब ये 6 पत्तल बन के तैयार हो गया। 6 पत्तल कितना सेकंड में? मात्र महज 4 सेकंड में। 4 सेकंड में 6 पत्तल जी, 1 घंटा में कितना हो जाएगा? समझ लीजिए कि आप एक मिनट का आकार आकला लिया जाए तो हमको लगता है 1 मिनट में 70 पीस निकालेगा। 1 मिनट में 70 पीस हाँ, इसको 10 पीस भी निकाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा वैरायटी का जिग जैग डिजाइन देख सकते हैं इसको, गजब तरीके से जो है इसका डायमंड में जिग जैग है, इसका अलग अलग जो है डाई है इसका अलग अलग हाँ अलग अलग हर वैरायटी का डाई निकाल सकते हैं, हर वैरायटी का रॉ मटेरियल ले सकते हैं और तमाम जो रेट दिल्ली में मिलता था गुजरात में मिलता था पंजाब में मिलता था चाहे पटना में मेरे कंपनी में मिलता था उसी रेट में अब छपरा में भी मशीन मिलेगा उसी रेट में मिलेगा बिल्कुल। लोगों का कंफ्यूजन होगा कि हो सकता है छपरा में फैक्ट्री खुला है तो यहाँ मशीन मिलेगा, अरे ऐसी कोई सोचने की बात नहीं है, आप बस वीडियो को शेयर करके आइएगा जिस रेट में पटना में हमारे एस इंजीनियरिंग कंपनी में पटना के फैक्ट्री में मिलता था उसी फैक्ट्री रेट में अब छपरा में जो भी नजदीक जिला के लोग हैं उनको मिलेगा, साथ में डिलीवरी फ्री मिलेगा और जिस रेट में रॉ मटेरियल वो कोलकाता से लाते थे पटना से लाते थे दिल्ली से लाते थे कोलकाता से लाते थे पटना से दिल्ली से उसी रेट में रॉ मटेरियल भी छपरा में। अभी आप एक चीज बोले कि अगर इस वीडियो को शेयर करके आएगा उसको 10 रुपए डिस्काउंट भी देंगे। बिल्कुल 10,000 का ऑफर है, 5,000 का पैकिंग मशीन डिलीवरी डाई ये सारा चीज जो शेयर करके आएगा दिखाएगा कि हाँ इस वीडियो को हमने शेयर किया है उसको उतना डिस्काउंट देंगे। देख सकते हैं बहुत बड़ी बात है, 10,000 रुपया मायने रखता है। आपको अगर इस वीडियो को शेयर करके एएस इंजीनियरिंग में आप आ जाते हैं स्क्रीन पे नंबर हम डाल देंगे, भैया से नंबर भी जान लेते हैं, भैया अपना नंबर बताइए ग्राहकों को। नंबर तो देखिए स्क्रीन पे डाल दीजिएगा, नंबर 9128961999 है, बाकी बोर्ड वगैरह पे नंबर है, जो नंबर कंपनी का हो दे दिया जाएगा, आप स्क्रीन पे डिस्प्ले पे चलता रहेगा नंबर, देख के बाहर नंबर ले सकते हैं, नंबर से आप फोन करके पता करके एड्रेस लोकेशन ले सकते हैं। देर तब क्यों कर रहे हैं आप, घर बैठे
महीने का भी एक छोटा सा मतलब समथिंग कितने रुपए जो है आदमी कमा सकता है? 40-50 हजार का जो मशीन लेगा वो डेली, हम नहीं कहेंगे कि लाखों रुपया कमाएगा, 2 लाख कमाएगा, हवा हवा ही नहीं। लेकिन हाँ, 40-45 हजार का भी मशीन लेगा तो 1000 रुपया 6-7 घंटा मेहनत करके कमाएगा। 85-90 हजार, 75-80-90 हजार लाख रुपया वाला लेगा तो डेली का 1500 रुपया 2000 रुपया आसानी से कमाएगा। लगन के दिन में उसका 5 से 10 गुना कमाई बढ़ जाता है, कमाई बढ़ जाएगा। बाकी तो समझ लीजिए कि अब तो कोरोना के बाद डिस्पोजल हर घर में देखने को मिलता है, शादी ब्याह भोज पार्टी कथा पूजा गृह प्रवेश, उसके बाद चाट चौमिन गोलगप्पा मंचूरियन मिठाई का दुकान, ये सारे जगह ये चल रहा है। जहाँ ऐसा कोई भारत का व्यक्ति चाहे किसी गांव कस्बा का रहने वाला हो जो डिस्पोजल को नहीं जानता और यूज नहीं करता हो। दूसरा सबसे बड़ी बात, ये हमेशा डिमांड में इसलिए बना रहेगा क्योंकि आज जो इसको इस्तेमाल किया उसको धो माज के घरे नहीं रखेगा, उसको फिर दूसरा नया चाहिए। इसलिए हर जगह डिमांड में रहेगा, हर समय डिमांड में रहेगा और बंद ये तभी होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा या बंद हो जाएगा, तो उसकी गलत फहमी को मैं दूर कर देता हूँ। हाँ, बंद तब होगा जब मिठाई खाना लोग छोड़ देंगे, समोसा खाना छोड़ देंगे, चाट चौमिन खाना छोड़ देंगे, शादी ब्याह में लोग खाना पिलाना छोड़ देंगे, तो उसका बिजनेस व्यवसाय बंद हो जाएगा। एक चीज और होता है कि मशीन लोग खरीद लेते हैं लेकिन उसको जो देखते हैं खाली, यूज नहीं करते हैं। ना, देखने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है, पेड़ के नीचे बैठ जाइए मुंह खोल के तो आम का स्वाद नहीं ले सकते, मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए पेड़ से आम लाना होगा, या आम नीचे गिरा तो उसको तो छीलना होगा, उसके बाद हाथ से खाना होगा। उसी टाइप से मशीन ले गए बनाए और कंपनी ने जैसे आपको निर्देश दिया कि आपको यहाँ सामान बेचना है, ऐसे बेचना है, ऐसे कस्टमर बढ़ाना है, इस तरीके से आप ऐसा ऐसा तरीका अपनाइएगा तो कस्टमर ज्यादा बढ़ेगा, और एक मशीन से लेके आप 15-20 मशीन कैसे कर सकते हैं, तो ये सारा कंपनी के गाइडलाइन पे चलिएगा तो आपका बिजनेस डेवलप होते रहेगा। बाकी निगेटिविटी वाले के कोई जगह नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, एक रिटायर्ड, एक समझ लीजिए कि एक सरकारी नौकरी से रिटायर्ड बुजुर्ग रिटायर्ड होके आए तो गांव में लोग कहने लगे कि अभी 2-4 महीना पहले भूकंप आया था और 10 तल्ला मकान उधर गिर गया, 20 तल्ला उधर गिर गया, तो व्यक्ति आज तक उस भय से मकान नहीं बना पाया कि अगर भूकंप आएगा तो साला दब के नीचे हम मर जाएंगे। तो निगेटिविटी से दूर रहना है, कर्म पे भरोसा करना है, अपने आप पे भरोसा करना है, सफलता 100% मिलेगी। अगर आप कर्म कर रहे हैं, सफलता नहीं अगर आपको मिलती है तो जितना पैसा आप लगाए हैं ये इंजीनियरिंग टोटल वापसी करेगा। देख सकते हैं बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं भैया। और यहाँ पे एक चीज और बता दे कि आपको सहूलियत होगा कि अगर यहाँ से आप मशीन लेते हैं, इस मशीन को लेते हैं तो आपको जो है किस प्रकार से बिजनेस करना है उसका दिशा निर्देश भी यहाँ से जो है भैया जो है देंगे, और आप उसी दिशा निर्देश पे आप काम करेंगे तो आप महीने का जो है लाखों रुपए कमा सकते हैं, बशर्ते कि जो है आपको मेहनत करना होगा, इनके बातों को जो मानना होगा और उसी आधार पे आप बिजनेस करेंगे तो आप तरक्की कर सकते हैं। जिस प्रकार से भैया जो है आज बिहार के हर एक जगह पे जो है अपना ब्रांच बैठा चुके हैं, इसके बाद 17,000 से ज्यादा परिवार पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, जितने उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके बांग्लादेश नेपाल वहां से लोग जुड़ के और व्यापार कर रहे हैं इस इंजीनियरिंग से। वही चीज बताना चाहते हैं कि ये जो दूसरा ब्रांच मेरा छपरा में ओपन हुआ है तो जिस भरोसे के साथ हम पटना में काम कर रहे हैं तो उसी भरोसे के साथ उससे ज्यादा ही करके दिखाएंगे छपरा में। देख सकते हैं इनका मनोबल कितना ऊंचा है कि अगर इनका बड़ा मतलब कंपनी है हर एक जगह है लेकिन फिर भी इनका मनोबल जो है नहीं घटा है, लेकिन आप छोटा सा मशीन लेते हैं आप 2-4 महीने के बाद आप मायूस हो जाते हैं, तो मायूस नहीं हुई बल्कि कर्म कीजिए तभी आप आगे बढ़िएगा, ना कि आप मशीन ले लिए घर में बैठ गए उसके बाद बोलिएगा कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। हालांकि देखिए किस प्रकार से भैया जो एक छोटी सी कंपनी खड़ा करके जो है आज 17,000 लोगों को जो है रोजगार दिए हुए हैं, पूरे बिहार भर में नेपाल तमाम तरह के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ से लोग आते हैं एस इंजीनियरिंग में सामान लेते हैं और यहाँ से लेने के बाद जो आज अपने परिवार का है जीवन पालन करते हैं और यहाँ से जो है तमाम तरह की चीज़ें ले जाकर आज क्षेत्र में जो है अपने सामान का जो है उपयोग करवाते हैं।
इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और एएस इंजीनियरिंग से आप जरूर संपर्क करें। अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास पैसा नहीं है, या मोटा पैसा नहीं है, भैया इसके यहाँ कुछ फाइनेंस का भी व्यवस्था है, जैसे PMEGPY से लोन कैसे होता है उसकी जानकारी दी जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो फाइनेंस करती है, सीधी सी बात बता दूं, गलत काम यहाँ नहीं होता है। फाइनेंस उनका लोन कैसे मिलेगा ये सारी प्रक्रिया कंपनी बता देगी, PMEGPY वाला, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वाला, तो ये सारा प्रक्रिया। दूसरी चीज कि हम उनके लिए सबसे ज्यादा काम करेंगे कि कोई कम बजट वाला है, मशीन ले गया, तो स्टार्टअप इंडिया के तहत, स्टार्टअप प्लान के तहत उनको कंपनी दूसरा जो भी प्रोजेक्ट करना होगा लोन के तहत करेगी। चलिए, देख सकते हैं भैया तमाम तरह की चीज़ें आपको बताएंगे। एक बार यहाँ पे संपर्क कीजिए, विजिट कीजिए, इसलिए कि आने जाने में जो है कहीं आपका जो है समय बर्बाद नहीं, घर बैठे उससे बढ़िया कहीं चल के जो है जानकारी ले सकें, इसलिए भविष्य में जो है कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ सकते हैं।